लेकिन जो इन्वेडर्स थे, जो आक्रमणकारी थे, उनके पास घोड़े थे, बहुत अच्छे
Aurya. In any case, the land appeared boundless and the breeze retreated a little towards the Ravis. Her halat mein jo zameen thi, wo kehna chahiye ki boundless thi, matlab bahut dur dur tak phaili hui thi. And the breeze retreated a little towards the Ravis. Aur jo breeze se wo Ravi ki taraf piche ho gaye. The population of Marwar was on the increase. Jo Marwar ki jo jansankhya thi, wo badhoti padi. But this centuries passed, lekin jaise jaise शताब्दियां गुजरी, द लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल बिगेन टू ऑपरेट द वेजिटेशन. जो जानवरों का जो समुदाय था उससे वनस्पति प्रभावित होने लगी. द सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स वर बेस ऑफ छोटे छोटे पौधे बीज जो थे वो जानवर चढ़ने लगे. एंड वे लिमिटेड चांस टू ग्रो और उनके पास अब बढ़ने का कोई मौका नहीं था. इन्वेडर्स एंड द ट्रैवल बीन फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्व्स. अब इसकी वजह से जो आक्रमणकारी थे और जो बीज थे अब उनके पास अपने जान बचाने के लिए संसाधनों की कमी हो गई. Finally, the 13th century AD saw the final conquest of the breeze by the raptors of Kannur. आखिर बार 13वीं शताब्दी में breeze के ऊपर कन्नौज के raptors का कब्जा हो गया. The raptors now ruled the whole of Marwar. अब पूरे मारवाड़ पर राजपूत का शासन था. In the year 1451 AD during the reign of Rao Jodhaji, 1451 AD में जब Rao Jodhaji का शासन था, reign मतलब शासन, rule, one of the bravest of the Rathore kings, जो सबसे बहादुर राठौरों में से राठौर का जो राजा था, an extraordinary child was born in the village of Pipasar. Pipasar गांव में एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ. His father was the headman Haku Lohat. इस बच्चे के पिता का नाम Haku Lohat और मदर का नाम हमसा देवी था. The boy was called Jambaji और इस बच्चे का जिसका जन्म हुआ था Pipasar गांव में उसका नाम Jambaji था. As a little boy, he was given the task of looking after his father's large herd of cattle and sheep. एक छोटे बॉय जब वो एक छोटा बच्चा था, जब वो बालक था, तो उसको अपने पिता की जो जानवर थे या उसके उनके पिता के पास जो जानवरों का जो समुदाय था, उसकी रक्षा और उसकी सुरक्षा का काम दिया गया. It was great fun to take the animals out grazing. उसको जानवरों को चराने में बहुत मजा आता था. Lying in the shade of the pigeon trees, साथ ही साथ खिजड़ी की पेड़ों में आराम करना एंड वॉच द लेहर्ड्स ऑफ ब्लैकबक. साथ ही साथ जो काले हिरण है उनके झुंड को उसको देखना भी उसके लिए बहुत मनोरंजन का काम था. जंबाजी वॉज फैसिनेटेड बाय द लिटिल ग्रेस ऑफ दिस हंटर एंटीलोप. जंबाजी जो ये एंटीलोप जो हिरण थे इसको देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज थे. एंड वॉट देयर वाज नो साइट फॉर इट्स विदिन देयर फाइट बिटवीन टू वेलियस ट्राइब्स. और उन्होंने ये सोचा कि अगर कोई दो हिरण लड़ रहे हो एक्साइटिंग सीन देखने के लिए नहीं हो सकता. वे जंबाजी को सिंधी पैथियर्स हो जब जंबाजी 30 साल के गए एक ग्रेट डिजास्टर ओपन टू द होल रीजन. एक विदेश बड़े विनाश ने इस पूरे प्रदेश पर कब्जा कर लिया. द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन दैट यूज्ड टू कम रेगुलरली सीज ऑल टुगेदर. जो छोटी थोड़ी सी मात्रा जो बारिश की होती थी वो अब पूरी तरीके से रुक गई. ऑल टुगेदर मीन्स एकदम से. द वर्स्ट सफर ऑफ वेदर कैटल. लेकिन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जानवर थे. इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट अकाल. जब पहले साल अकाल पड़ा दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रॉ स्टोर इन द हाउसेस. जो तिनका या जो चारा था जो बाजरा था जो घरों में इकट्ठा करके रखा हुआ था उसका उनका भरण पोषण हुआ. द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड. दूसरा साल पहले से भी खराब रहा. देयर वाज नॉट ए ट्रेस ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर. क्यों? क्योंकि अब तो कहीं घास का आम नामो निशान भी नहीं बचा था. People had been cutting trees they could find and fed the animals on the leaves. लोग बाग पेड़ों को काट देते थे एंड इस काटना they could find जो भी पेड़ उन्हें मिलता था उसको वो काट देते थे एंड फेड द एनिमल्स ऑन द लीव्स. जानवरों को उनकी पत्तियां खिलाते बट इवन सो देयर वाज नॉट इनफ ग्राउंड फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स. लेकिन फिर भी भूखे जानवरों के लिए पर्याप्त मात्रा में पत्तियां या चारा मौजूद नहीं था. ग्राउंड मींस लीव्स या चारा. एंड द ड्रॉट कंटिन्यू फॉर 8 कंसेक्यूटिव ईयर. कंसेक्यूटिव का मतलब आने वाले निरंतर. लेकिन निरंतर 8 सालों तक ये अकाल पड़ता रहा. द पीपल हैड द लास्ट बिट ऑफ पॉलिश फ्रॉम ऑन द ट्रीज. लोगों ने पेड़ के ऊपर की जो भी चारा था उसको लास्ट तक कोई नमूना नहीं छोड़ा. उन्होंने पूरे के पूरे पेड़ काट डाले. पीच पानी ने बिगिन टू ड्राई और इस सर्दी की सूखा पड़ने लगा. लोग जो खिजड़ी के फूल थे जो खिजड़ी का फल था
रास्ते में ही बन गए। पैरिस का तब बदना बाय नाउ द होल कंट्री वॉज साइलेंट। अब तक 8 सालों में पूरा देश बंजर हो चुका था। पैरल प्लीज बंजर अंकाओ देयर वॉज अ ट्री इन साइट फॉर माई सुगेदर। दूर दूर तक उन्हें कोई पेड़ दिखाई नहीं देता था। नॉट ए सिंगल काऊ और ए ब्लैक बर्ड, ना ही काऊ या ब्लैक बर्ड बना एक जानवर तक भी दिखाई नहीं देता था। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन द बिग लैंड लॉर्ड्स लाइक जंबाजी फादर विथ ह्यूज स्टोर्स ऑफ पैसा दैट समहाउ लास्टेड टू द डिफिकल्ट टाइम्स। केवल जो बड़े बड़े लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, केवल अब वही आकर इस कंडीशन से सर्वाइव कर पा रहे थे। यानी कि जो अखबार जो 8 साल से लगातार पढ़ रहा था, इसमें कुछ लोग जैसे कि जंबाजी के फादर जिनके पास बाजरा और काफी चीजों का बहुत बड़ा भंडार था, वो लोग ही अब कुछ सर्वाइव कर पा रहे थे, बच पा रहे थे। विच वॉज समहाउ लास्टेड टू द डिफिकल्ट टाइम्स, जो इन मुश्किल परिस्थितियों में कुछ समय तक चल पाया। जंबाजी वॉज नॉट अफेक्टेड बाई दिस शॉट। जंबाजी पर इस अखबार का बहुत प्रभाव पड़ा। मैनी फॉर द नाइट सी स्पेंड इन वेकफुलनेस, कई सारी रातें उन्होंने जाकर बिताई। बिकॉज ऑफ द सफरिंग ही सॉ अराउंड, क्योंकि वो पीड़ा उनको बहुत व्यथित कर रही थी जो अपने आसपास देख रहे थे। द डाइंग चिल्ड्रन, वो क्या क्या चीजें थी, मरते हुए जानवर, भूखे बच्चे, दे हॉट इन डे एंड नाइट, रातों दिन वो उनके बारे में सोचते। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 24 ही हैड ए विजन, और आखिरकार 34 साल की उम्र में उन्होंने एक सपना देखा। सपना मीन्स नॉट द ड्रीम जो हम रात को सोते समय देखते, विजन मीन्स की एक सोच बनी। ही सॉ मैन इंटॉक्सिकेटेड विद हिज ओन पावर डिस्ट्रॉयिंग द वर्ल्ड अराउंड हिम। उन्होंने देखा कि मनुष्य जो है अपनी नशे में, अपनी ताकत की नशे में चूर हो गया है। इंटॉक्सिकेटेड मीन्स एक्साइटेड, बहुत ज्यादा अपने नशे में जो अपने ताकत का उसे बहुत ज्यादा जोश है एंड डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम, और उस जोश की वजह से वो संसार को नाश कर रहा है। एंड इट इज आई डेट चेंज इट ऑफ, और उन्होंने निश्चय किया कि वो इन सबको बदलेंगे। इट लाइफ ऑफ टू फिनिश अगेन इन दिस रिजोर्ट ले लैंड जंबाजी सॉदर मैन हू हैड लिव्ड इन अ डिफरेंट वे। उन्होंने सोचा कि अगर जिंदगी को वापस उन्हें बसाना है, उसको फलना फूलना अगर है, तो मनुष्य को दूसरे तरीके से अपना विवाह करना होगा। एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पीरियड्स एंड यूज, अलग चीजों को मानना होगा। जंबाजी वांटेड द अर्थ रिकवर्ड वंस अगेन बाय अबंडेंस ऑफ खिचड़ी। जंबाजी चाहते थे कि ये धरती वापस खिचड़ी के पेड़ों से भर जाए। एंड ऑफ खिचड़ी पेड़ के एंड चाबी टू ही वांटेड हर्ड्स ऑफ ब्लैक बर्ड्स टू फॉलो द गेम। वो ये चाहते थे कि चारों तरफ हरियाली हो जिस पर खिचड़ी के बेर चाबी पेड़ के पेड़ हों, साथ ही साथ काला हिरण जो है वो खूब जनसंख्या, मतलब उसकी भी जनसंख्या बढ़ जाए। एंड ही वांटेड मैन टू वर्क फॉर दिस, वो चाहते थे कि लोग बाप इसके लिए काम करें। जंबाजी टू द वे टू अचीव दिस, टू अचीव दिस, जंबाजी जानते थे कि किस तरीके से उनको अपने काम को, अपना लक्ष्य को पाना है। एंड ही बिगिन टू ब्रॉडकास्ट मैसेज इंडिया 1485, और उन्होंने अपना यह संदेश 1485 में फैलाना शुरू कर दिया। इस मैसेज इंक्लूड 29 बेसिक यूनिट्स, उनके संदेश में उनका जो मैसेज था उसके 29 प्रिंसिपल्स या 29 उद्देश्य थे। Its two major commitments were the prohibition against the cutting down of any tree or the killing of any animal. Iske jo major orders the, wo ye the, sabse pehla kisi bhi hare ped ko kaatna nahi jayega aur the killing of any animal, na hi kisi janwar ko mara jayega. Jambaji's message of humility and respect for all living things was eagerly accepted. Jambaji ka ye himmatta ke liye jo sandesh tha aur sath hi sath har हर चीज के लिए जो उनके मन में रिस्पेक्ट थी, लोगों ने उनको हर चीज को, लोगों ने उनकी हर चीज को एक्सेप्ट किया, उसको स्वीकार किया। His teachings prompted the inhabitants of hundreds of villages to reclothe the earth with its green cover। जो यहाँ की जो उनकी जो प्रिंसिपल्स या जो उनकी टीचिंग उन्होंने सीख की थी, उसकी वजह से लोगों में, वहाँ के जो लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने डिसाइड करा, उन्होंने निश्चय किया कि वो अर्थ को वापस हरा भरा कर देंगे। जंबाजी फॉलोअर्स पर कॉल बिश्नोईस पर 29ers, जंबाजी की फॉलोअर्स के उनके अनुयायियों को बिश्नोईस के 29ers कहा गया। बिस कॉल टू 20 को आप हिंदी में कहते हैं और नोई बिस नाइन बिकॉज ये अगर तो जंबाजी 29% उसको क्यों कहा गया बिश्नोई, बिकॉज उन्होंने जंबाजी के जो 29 प्रिंसिपल से या जो उनके उनकी सिचुएशन थे उनको फॉलो किया, उनका अनुसरण किया। They preserved the trees around their villages, उन्होंने अपने आसपास की गांव में
ऑक्यूपाइड ट्रीज। धीरे धीरे उनकी टेरिटरी ट्रीज से भर गई। देयर कैटल हैड 100 क्राउस। उनका जो कैटल था, जो जानवर थे, अब बहुत ज्यादा वहां पर ढूंढे जाने लगे। देयर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी, कहने का मतलब जानवर भी वहां पर खूब सारे अब पाए जाने लगे। देयर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी, उनकी जो जमीनें थी अब वो वापस उत्तर हो गई। एंड द बिश्नोई बिकेम एट क्लस्टर स्टेट, और जो बिश्नोई थे वो वापस उन्नत समृद्ध लोगों में हो गए। बट आउटसाइड द टेरिटरी ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर, लेकिन उनकी टेरिटरी के बाहर सब कुछ पहले जैसा ही था। द लैंड वाज स्टिल बीइंग स्टेट ऑफ इट्स ग्रीन कवर एंड द डेजर्ट वाज स्प्रेड। जो जमीन थी वो अभी भी हरियाली से अछूती थी और जो रेगिस्तान था वो बढ़ता जा रहा था। द 1978 ऑफ चंबाजी सेंटिमेंट नाउ चोला जी नाउ ऑक्यूपाइड द सोलो चोला। अब चंबाजी के जो संपादक थे, उनके जो नवे वंशज थे राव चोला जी, उन्होंने जोधपुर की राजगद्दी को संभाला। उन्हीं के शासनकाल के दौरान 1730 में महाराजा हरि सिंह ने अपने लिए एक महल बनवाने का निश्चय किया। अ ब्यूटीफुल पैलेस मेड ऑफ द फेमस रेड सैंडस्टोन ऑफ जोधपुर, एक ऐसा खूबसूरत घर जो जिस जोधपुर के लाल पत्थरों का बना हुआ। दिस वुड नीड अ लॉट ऑफ टाइम, इसके लिए बहुत समय की जरूरत थी। लाल स्टोन इज ऑफ कोर्स क्वाइट अबंडेंट इन दिस साइड, इसमें कोई शक नहीं है कि इस प्रदेश में लाल स्टोन बहुत मात्रा में पाया जाता है। बट इट हैड टू बी क्योर एंड द लैंड प्लेस वुड नीड अ लॉट ऑफ फ्यूल, लेकिन इसको बनाने के लिए, इसको पकाने के लिए बहुत ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ती है। इट वॉज नॉट एन इजी जॉब टू गेट सो मच फ्यूल इन द डेजर्ट, और रेगिस्तान में इतनी बड़ी मात्रा में ईंधन का पाना बहुत मुश्किल था। बट इज लक टू हैव इट, लेकिन जैसा कि शायद भाग्य नहीं था, देयर भाग्य उनके साथ था। देयर वॉज ए लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोई जस्ट 16 माइल्स फ्रॉम जोधपुर। बिश्नोई का जो इलाका था वो जोधपुर से केवल 16 माइल्स दूर था। इन लोगों ने जो बिश्नोई के जो लोग थे, उन्होंने जंबाजी के जो उद्देश्य थे उनको करीब 2.5 शताब्दी पहले स्वीकार कर लिया था। एंड इट वॉज हंड्रेड्स ऑफ फिजिट ट्रीज नियर द विलेजेस, और अपने गाँव के आस पास के 100 फिजिट के पेड़ों की संरक्षण की थी। एंड देयर वॉज एन एक्सीलेंट लाइमस्टोन टू नियर वन ऑफ द विलेजेस, और उनके गाँव के पास बहुत अच्छी क्वालिटी का लाइमस्टोन भी मौजूद था। लाल पत्थर जिसको कहते हैं, जिसका उस गाँव का नाम था खेजड़ी। उसने आदेश दिया कि जो ईंटे हैं वो महल को बनाने के लिए इस खेजड़ी गांव में पकानी शुरू की जाए। बट वेन द वर्कर्स वर रेडी टू कट द ट्रीज फॉर फ्यूल, लेकिन जो मजदूर ईंधन को पाने के लिए काटने लगे, दे फाउंड दैट द बिश्नोई वुड नॉट टच द ट्रीज। उन्होंने देखा बिश्नोई उनको पेड़ों को छूने भी नहीं दे रहे हैं। ये ऑर्डर तो वर्कर्स को है, उसने अपने वर्कर्स को आदेश दिया कि वो आगे बढ़े।
चिपका लिया एंड दे लेफ्ट ओवर द ट्रीज और वो जानवर भी जानवर पेड़ों से चिपक गए. द दीवान क्यू ग्रैंड ऑर्डर दैट ऑल फोर ऑफ देम बी कट डाउन विद द ट्रीज. दीवान को ये देख देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने आदेश दिया कि जानवरों को पेड़ों के साथ काट दो. कहने का मतलब उसकी मदर अमृता देवी और उसकी जो तीनों बेटा थी उसको भी पेड़ों के साथ काट दिया गया. महाराजा स्थान पर जयपुर